नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। कोरोना महामारी में जहां चारों तरफ से अव्यवस्थाओं की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं कई कोरोना योद्धा इस महामारी में असली हीरो बनकर उभरे हैं। कई कहानियां ऐसी सामने आ रही हैं जो बताती हैं कि इंसानियत आज भी जिंदा है। ऐसी ही एक कोरोना काल की हीरो वर्षा वर्मा है। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में आखिर वर्षा की कैसे चारों तरफ तारीफ हो रही है। कोरोना काल में वर्षा की दरिया दिली, लोगों के लिए चला रही निशुल्क शव वाहन, लवारिस शवों का करती है दाह संस्कार, हफ्ते भर पहले खोया था अपना दोस्त। उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली वर्षा खास इसलिए है क्योंकि वो कोरोना काल में अपनों के द्वारा छोड़ी हुई लवारिस लाशों का दाह संस्कार करती हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि महिलाएं शमशान नहीं जाती, ऐसे में उनका दाह संस्कार करना चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इतना ही नहीं, वो ऐसी लावारिस लाशों के लिए फ्री शव वाहन भी चलवा रही हैं। बता दें वर्षा एक कोशिश ऐसी भी नाम की संस्था चलाती हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना वायरस के डर से अपनों की लाशें अस्पतालों में ही छोड़कर जा रहे हैं, लाशों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा, कई गरीब परिवारों को शव ले जाने के लिए वाहन तक नहीं मिल रहा, तो उन्होंने ऐसे लोगों की मदद करने की ठानी। किराए की वैन लेकर कर रही सेवा। वर्षा ने किराए की वैन ली और उसकी सीट एम्बुलेंस जैसी करके उसे शव वाहन बना दिया। वो इस वाहन में शव ढोती हैं। लोगों को इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए उन्हें वैन पर निशुल्क शव वाहन लिखवाया, इसमें अपना संपर्क नंबर भी लिखा। एक दिन लखनऊ के RML अस्पताल परिसर में जाकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में उनके पास तमाम लोगों के फोन आने लगे और फिर शवों को शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक ले जाने का सफर शुरू हो गया। पीपी किट नहीं होती फिर भी करती हैं सेवा। वर्षा ने बताया कि कोरोना मरीज की मौत होने के बाद उसे उसके परिवार के सदस्य भी छूने से डरते हैं। लोग पीपी किट पहनकर शव के पास आते हैं। कई बार उनके पास पीपी किट नहीं होती है तब भी उन्हें शव का दाह संस्कार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वैन में रोज का ईंधन भी बहुत लगता है, पीपी किट भी महंगी पड़ती है, उनके पास इतना धन और संसाधन नहीं है, इसलिए बिना पीपी किट के ही शवों को ले जाती है। दरअसल पिछले हफ्ते ही वर्षा ने कोविड की वजह से अपने खास दोस्त को खो दिया था। उसने बताया कि उसके दोस्त की मौत के बाद शरीर को शमशान तक ले जाने के लिए उन्हें के काफी देर तक कोई भी सवारी नहीं मिली। जो सवारी मिल रही थी वो भी ज्यादा पैसे डिमांड कर रही थी। इस घटना के बाद से उन्होंने ठान लिया कि वो इस आपदा के समय में जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगी। वर्षा वर्मा ने सारा काम बिना किसी सरकारी सहयोग के किया। वर्षा अपने संसाधन से कोरोना के शवों को शमशान पहुंचा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।